हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएल लाइफ। मैं नीतीश, मैं वेदराज, और अभी हम लोग हैं गोरखपुर के एक फोर स्टार होटल के अंदर और इस होटल को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस होटल को एंजॉय करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए, हम लोग दिल्ली से जा रहे हैं बिहार समस्तीपुर अपने घर, क्योंकि होली आ रही है। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा एंजॉय करिएगा, बहुत ही मस्ती होने वाली है पूरे ट्रिप में। हम लोग कैसे कैसे दिल्ली से गोरखपुर पहुंचे हैं और घर तक पहुंचे हैं, पूरा एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। तो करते हैं वीडियो की शुरू से शुरुआत, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए, इस वीडियो को लाइक कर दिए, साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कौन देगा? दस बजने वाले हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि जर्नी जब से हम कार में बैठते हैं तब से स्टार्ट होती है तो शायद आप लोग गलत समझते हैं। जर्नी एक रात पहले से स्टार्ट हो जाती है और ये चल रहा है जर्नी का तैयारी। और ये कुछ जो हम लोग रास्ते में जितना भी पूरे दिन की जर्नी होगी, लंबी जर्नी है, तकरीबन हम लोग कल 800 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने वाले हैं कल सुबह जब चलेंगे तो 12 घंटे, तो पूरा दिन लग जाएगा। तो पूरे दिन के लिए खाने पीने का व्यवस्था, क्योंकि हम लोग है कि कहीं रुकेंगे नहीं, तो गाड़ी में हमारे पास पूरा खाना होना चाहिए। हल्का फुल्का चाय वाय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट खाना तो होना चाहिए हमारे साथ। पेट्रोल भराना, तो वैरायटीज ऑफ फूड तैयार हो रहा है। और फिर सुबह 4 बजे हम कोशिश करेंगे निकलने का, थोड़ा लेट हो गया तो कोई बात नहीं, 5 बज गया तो कोई बात नहीं, बस कोशिश करेंगे 4 बजे निकलने का। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बहुत तरह तरह का फूड इस जर्नी में मिलने वाला है। तो मिलते हैं सुबह में। तो 4:40 हो गए हैं, मतलब 40 मिनट होने वाले हैं और हम लोग अब तैयार हुए हैं। हम लोग 10 मतलब आधे घंटे लेट हो गए, होना ही था सुबह सुबह, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। अब हम फटाफट चलते हैं। लगेज भी बहुत ज़्यादा है, ये देखिए लगेज बहुत ज़्यादा, ठीक है गाड़ी में होता है थोड़ा बहुत तो ज़्यादा डल ही जाता है। तो अब चलते हैं फटाफट, लगेज डालते हैं और निकलते हैं जल्द से जल्द। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, निकल चुके हैं और सामान भी पैक हो चुका है। लाइट ऑन कर लीजिए। बस हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से और फटाफट चलते हैं। तो ट्रिप को कर दिया है मैंने 0 और समय हो गया है 4:50, 4:51। घड़ी का थोड़ा स्लो भी है, बैटरी वो हो जाता है। और हमारा टोटल किलोमीटर दिखा रहा है 803 किलोमीटर। 803 किलोमीटर तक जो हम लोग होटल तक पहुंचेंगे गोरखपुर के। तो बस पेट्रोल टैंक फुल है हमारा, कल ही हमने फुल करवा लिया था, अब देखते हैं कहाँ पे ख़त्म होता है और करते हैं जर्नी को एंजॉय। और जो भी जानकारी होगी आप लोग को देते रहेंगे साथ साथ, है ना? रेडी? यस। हम लोग अभी आनंद विहार क्रॉस कर रहे हैं, राइट साइड में रेलवे स्टेशन है और ये उसके बगल में बस अड्डा और मेट्रो सब एक जगह है। और हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं अक्षरधाम से, हम लोग लेफ्ट लेकर के नोएडा एक्सप्रेस वे पे जाएंगे और फिर उससे यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो हम लोग अभी मेरठ एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं और ये हम लोग अक्षरधाम से लेफ्ट टर्न लेकर के इस रोड को छोड़ देंगे और फिर चलेंगे हम लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे। तो टाइम आ चुका है हमें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे छोड़ने का, क्योंकि इसके सफर हमारा सिर्फ 21 किलोमीटर का था। अब हम लोग जाने वाले हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, जो कि वहां से शुरू होगी लंबी वाली जर्नी। हाँ, और ये देखिए बस हम लोग एंटर करने ही वाले हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। और यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा निकल जाएगा सीधा और लेफ्ट साइड में हम लोग टर्न लेकर के यमुना एक्सप्रेस वे पे आ गए। अब यहाँ से सीधा आगरा जाके टर्न लेंगे, फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे। अभी अंधेरा अंधेरा ही चल रहा है क्योंकि सुबह नहीं हुआ है, सूरज भगवान अभी आए नहीं है ऑफिस। हम लोग अपने घर से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर चुके हैं और यमुना एक्सप्रेस वे पे हमें इस ट्रिप का पहला टॉल मिल चुका है। और इस टॉल को क्रॉस करेंगे तो टॉल तो अब फास्टैग से कट जाएगा, तो मैं अंत में आप लोगों को बता दूंगा कि टोटल कितना टॉल लगा, क्योंकि बहुत सारे टॉल्स आएंगे, हर टॉल्स को दिखाना आसान नहीं होगा, लेकिन टोटल कितना टॉल लगा बिहार तक पहुंचने में वो मैं फाइनल बता दूंगा। लो जी, हम क्रॉस कर चुके हैं अपना पहला टॉल और हमारी जर्नी अब यहाँ से शुरुआत होती है। अच्छा जी हाँ, पैसा दे दिया, अब जर्नी स्टार्ट।
ये दोनों चैन से सो रहे हैं, देखिए किस तरह से, और दोनों एक ही सीट पे अट भी गए हैं। और अब थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हो चुका है, अभी सूरज फॉग भी लग रहा है। हाँ, पता नहीं कहाँ से फॉग लग जा रहे हैं शीशों पे, हमने हीटर पे चला रहे हैं। पहाड़ हाईवे पे थोड़ा सा था, ठंडा है, और इधर देखिए अभी सूरज भगवान निकले नहीं है, लालिमा छाई हुई है। और ये देखिए सूरज भगवान बिल्कुल निकल गए हैं आकाश में, लालिमा छा गई है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पता नहीं कैमरे में आप लोग इसको समझ पा रहे हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल बिंदी जैसे लग रहे हैं। और हम लोग भी चड्डी का फूल मजा ले रहे हैं गाना सुनते हुए। उजाला हुआ है तो हमने अपना चेहरा दिखाया है, हम दिख रहे हैं। अब बाहर थोड़ा सा ठंडा है हाईवे पे ना, और गाड़ी में भी ठंडी लग रही है, गाड़ी में थोड़ा हीटर चलाए हुए हैं तो ठीक है। और इन दोनों को देखिए, दोनों सो रहे हैं आराम से, अपनी नहीं जितना रास्ता सो जाए अच्छा है, क्योंकि सुबह सुबह ही हम लोग निकले थे। बिल्कुल स्टॉप हॉल्ट बहुत मिनिमम लेना है, जब जवाब जरूरत पड़ेगी वहाँ नहीं, पेट्रोल के लिए भी लेना ही पड़ेगा, लखनऊ एक्सप्रेस से पेट्रोल ले लेंगे तो सीधा हमें गौड़ को 800 किलोमीटर बिल्कुल नॉन स्टॉप ड्राइव करना, 800 किलोमीटर बहुत हो गया। तो सुबह हो गई है, और सुबह हो गई है तो अपना पिटारा खोलिए, खाना वाना खिलाइए, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कराइए। 7 बज गया 7 बजे तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कितना टाइम हो रहा पास, आपको भूख लग गई है? यस 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 यस। तो सबसे पहले मैं आपको देने वाली हूँ ये खजूर। खजूर, अच्छा दुबई का शेक वाला। हाँ हाँ, क्या बात है। और साथ में देखिए कितना खूबसूरत ये सुहाना सा दृश्य, इसके साथ ये डेट्स। तो बहुत सारा आइटम है क्योंकि लंबी जर्नी है, हमें गोरखपुर तक जाना है, और कहीं भी हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं रुकेंगे नहीं, ज़्यादा देर कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। तो बहुत सारा आइटम है, वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा डिश आपको बहुत अच्छा लगता है, कौन सा आप लोग बनाते हैं, और आप अपनी जर्नी में क्या लेके जाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग अब लखनऊ एक्सप्रेस वे पे एंटर कर रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस वे समाप्त हो चुका है, अब ये इस पे आ गए हैं, और इस पे करीब 30-40 किलोमीटर के बाद टॉल है, उसके 80 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है, तो हम लोग उस पेट्रोल पंप पे ब्रेक लेंगे और फिर पेट्रोल लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे अब सुबह हो गई, ये लोग सब नींद मार रहे हैं, सबको नींद आ रही है, ड्राइवर को तो जगना ही पड़ेगा। ये तो गाड़ी कौन चलाएगा। ये देखिए नज़ारा, और सामने से बिल्कुल सनलाइट, बिल्कुल सन हमारे सामने है, तो आंखों पे सीधा लाइट आ रहा है सूर्य भगवान का, लेकिन हमने सूर्य भगवान का प्रोटेक्शन कवच ले लिया है। तो दूसरा आइटम क्या है तुम्हारे पास? जल्दी कुछ खिलाओ, तो ड्राइवर को भी नींद आ जाएगा, सब लोग सो गए हैं, और मुँह में कुछ चलता रहता है ना तो नींद नहीं आता है। नेक्स्ट आइटम है ये, ओहो अंडा, बॉयल अंडा, बच्चे सो रहे हैं और हम लोग मजे ले रहे हैं। पूरा डाल दो एक बार में, खा लेंगे कौन, एक बार में खा लेते हैं पूरा से, खा लेते हैं, दो बार में खाएं, कस्टम बताएं जैसे भी। और आगे आ चुका है टॉल, लखनऊ एक्सप्रेस का ना पहला टॉल आ गया है। कैसे हो गया वही तो हा? पता नहीं, अलग था, एक ही जैसा था क्या, बीच में से तो रोड था, अलग अलग दोनों आता है ना, हो सकता है ऐसा ही होगा, हम लोग उधर जाते होंगे तो हम लोग गलत आ गए, हम लोग आने वाले में जा गए, अलग अलग आपको बीच में से डिवाइडर हटा दिया या तो कुछ तो यहाँ पे हुआ है गड़बड़ जहाँ पे। हाँ, बीच में डिवाइडर होगा जो नहीं समझ, डिवाइडर हटा दिया, हाँ, तो हम लोग उस साइड से जा रहे हैं, उस साइड से जा रहे हैं।
तो टॉल हमने क्रॉस कर दिया और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि बीच में डिवाइडर नहीं है, हम लोग गलत लेन में चले गए थे। उस साइड वाला भी और इस साइड वाला दोनों सेम सा लग रहा था जैसे जनरली एक्सप्रेस वे पे। अच्छा पहली बार ऐसा हुआ मुझे, पिछला का अंदाज याद नहीं है कि कैसे था, लेकिन जैसे उधर से हम आते हैं यमुना एक्सप्रेस वे भी आए हैं अभी, तो सीधा सिर्फ हमारा ही एंट्री होता है, उस साइड वाले का नहीं होता है। लेकिन इस बार जैसे मैं वो साइड वाले से निकल जाऊं, लेकिन वो उस साइड वाले का एंट्री था तो मतलब दोनों एक ही में था, अलग अलग नहीं वो लग रहा था। हो जाता है बड़ी बड़ी शहरों में, छोटी छोटी बातें हो जाती है। सेनोरिटा कुछ हटाया होगा बीच से, डिवाइडर हटाया होगा या फिर पहले बहुत जाम रहता होगा, हम लोग एक लेन पकड़ लेते होंगे जाने वाले का, ऐसा कुछ होता होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइटम है ये ब्रेड रोल। बाबू और बाबू भी उठ चुके हैं। बाबू भूख लगी है? नहीं। भूख नहीं लगी? नहीं। देखते हैं कब इसको भूख लगती है। तो कैसा लग रहा है आपको ब्रेड रोल? सुपर टेस्टी, मेरा फेवरेट डिश है और जर्नी में तो मजा ही आया था। तो बीबी के हाथों से खाने को मिलता है जैसे आप हमेशा अपने हाथों से खाना पड़ता है इनका बस चले तो मेरे हाथ से घर में भी खाना खाए। यस 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 यू राइट। तो फर्स्ट हॉल्ट हमारा आ गया, हम लोग गाड़ी से नहीं उतरेंगे। नहीं एक्चुअली तेल आधा हो गया है, तो जब तेल नीचे आता है तो थोड़ा लगता है तेल बढ़ा लिया जाए, तो सोचते हैं हाईवे पे फिर 100 किलोमीटर के बाद पंप मिलेगा तो तेल ले लेते हैं, साथ में टॉयलेट भी कर लेते हैं, तो 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं। 15 मिनट लग जाएगा क्योंकि 15 मिनट ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं तो टॉयलेट करेंगे फिर उधर पेट्रोल लगा, हम लोग यही है 10 मिनट तक तो बैठे रहोगे। ओके बाय बाय बाय। तो हम लोग यहाँ पे सोचते 15 मिनट रुकेंगे, लेकिन सब बाहर निकल के फोटोग्राफी सब करने लगे और 15 मिनट का 20 मिनट हो गया। चलो चलो तकरीबन 18.5 लीटर मतलब 19 लीटर पेट्रोल आया, और कल जो मैंने चलने से पहले लिया था वो टैंक फुल कराया था, तो 5 लीटर 6 लीटर जो होता है 29 लीटर्स हुए थे पेट्रोल। तो अभी 29 प्लस 18 इतना पेट्रोल हमने अभी डलवा दिया है, और अभी आगे और भी डलेगा बिहार तक पहुंचते पहुंचते, तो काउंट करते रहिएगा उतना टोटल पेट्रोल हो जाएगा लास्ट और फाइनल। तो जितना मैंने पेट्रोल डलवाया प्लस टैंक कुछ बच भी तो जाएगा, क्योंकि हाँ। तो मैं हमेशा फुल लगता हूँ, जैसे नीचे आता है ना आधा से नीचे मैं फुल करा लेता हूँ, क्योंकि फिर रास्ते में पता नहीं दिक्कत हो जाए, कोई जाम फंस जाए, कुछ हो जाए, इसलिए मैं बिल्कुल नीचे तक नहीं आने देता। चलिए अब चलते हैं सीधा लखनऊ। और हाँ अब लखनऊ चलते हैं, और इधर वेदिका भी जग चुकी है और अपना एग फिनिश कर रही है। हाय बोल दो। तो अभी हम लोग आगे निकलते हैं, निकलते हैं बस पोटली का खाना खत्म ही नहीं हो रहा है, फिर से पोटली सब जग चुके हैं, उसका हंगामा शुरू हो गया। वेदिका देखिए, वेदिका की शैतानी बिल्कुल शुरू हो चुकी है। और लिट्टी ऑल टाइम हिट, हमारा जर्नी का फेवरेट लिट्टी खिला दीजिए। जैसे ही शांत बैठो बस नींद आने लग जाती है, पता नहीं क्यों। अब कुछ नया आइटम खिलाओ मेरे को। नया आइटम निकल चुका है, वेदिका लेके बैठी है उसमें। क्या है वेदिका बताओ, बोलो बोलो बोलो। वेदिका का फेवरेट, और ये भी चाह करा है, तुम्हें भी खाना है तो खा लो। आपको चाहिए पास्ता? एक चम्मच खिला सकती हो, अपने हाथों से खिलाओगी तो पास्ता खाने का मजा अच्छा दुगना हो जाएगा, इस सफर का मजा दुगना हो जाएगा। अभी लखनऊ में टाइम है कितना? टाइम है लखनऊ में, लखनऊ में अभी 2 घंटे का टाइम। 2 घंटा तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधू सखा, तुम्ही
क्या खिलाने वाली हो जल्दी बताओ। कहीं चाय वाले भी नहीं दिख रहे। जहाँ रुकेगा बस उसी मतलब चाय पियेंगे। थोड़ा नींद भी थोड़ा खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है। तो फाइनली इसका निकल गया क्या बोलते हैं उसको ब्रह्मास्त्र लंच आइटम। अभी लखनऊ भी नहीं पहुंचे हम लोग। अभी क्या है कि बहुत बोरिंग सा लग रहा है रास्ता। चले जा रहे हैं तो क्या कहते तो कुछ तो टाइम पास करना होगा ना। कुछ नहीं है ना साइड में होता कुछ रुक के खाया कुछ चाय पिया कुछ नहीं मिल रहा तो टाइम तो पास करना होगा ना। तो टाइम पास करने के लिए देखिए अभी आया है क्या ये है पूरी अचार और आलू की सब्जी। पूरी अचार आलू की सब्जी दिमाग खुल गया। जर्नी में और बढ़ जाता। मैं सबको खिलाती रहती हूँ बैठ के और खुद नहीं खाती हूँ। दिल्ली में हम लोग ढूंढ रहे थे यहाँ पे चारों तरफ वही है। ये देखिए सिस्टम इसका चश्मे का। इधर बहुत मिल रहा है क्योंकि ये चाइनीज आइटम में ज्यादा मिलता नहीं है जल्दी खत्म हो जाता है। उधर भी बिक रहा है वहाँ पे भी एक भैया बेच रहे हैं इधर भी बिक रहा है मतलब चारों तरफ वही बिक रहा है। इस गाड़ी का एक्सीडेंट का है उठा के ले जा रहा है। अभी तो फर्स्ट ईएमआई भी नहीं गया है। फर्स्ट ईएमआई शोरूम से लेके आया को नंबर भी नहीं मिला था। नंबर भी नहीं मिला देखिए नंबर भी टेम्पररी है। बहुत भयानक एक्सीडेंट है मगर नहीं ये स्विफ्ट डिजायर है। तो अयोध्या का सरजू नदी भी आ गया है उसे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हमारा होटल है तो हम लोग फटाफट होटल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सुबह 5 बजे निकले थे और शाम को 5 बजे वाले हमने ब्रेक नहीं लिया बिल्कुल भी। और अभी पेट्रोल भी मेरा नीचे हो गया है लेकिन अब सोच रहे अगर अभी नहीं मिला तो सुबह लेना पड़ेगा। नहीं नहीं अभी ले। अच्छा सुबह भी तो हम लोग लेट ही निकलने वाले हैं तो पेट्रोल मिल जाएगा। शहर में रहेंगे शहर में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। अभी तब चलते हैं होटल में। बच्चों की छुट्टी हुई है और वेदिका आ चुकी है अपने पापा के सीट पे। तुम ड्राइव करके ले जाओगी हमें। पापा के अरे भागो छब्बीस लीटर करीब तेल हुआ अभी खाली हो गया था लगभग तो 26 लीटर आया 10 लीटर होगा तेल इसके अंदर अभी तो 9 लीटर होगा। फुल हो गया आप कल सुबह में भर लेना नहीं। अब चलते हैं होटल फटाफट। और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गोरखपुर का राप्ती रिवर। रिवर हाँ ये रिवर है। शाम का समय हो
गया है, मार्केट से बीचों बीच हम लोग निकल रहे हैं तो काफी जाम है। और ये क्या है? ये क्या है? ये असली है कि नकली? फटा पुराना नोट है, बदल लीजिए। अरे वाह, फूल बना बना के रखा गया है नोट है। हमारे पास बहुत सारे हैं। फटा नोट है तुम्हारे पास? मेरे पॉकेट में होगा दिल्ली में। तो जा लेके आ दिल्ली से। तो ये हमारा होटल है, यहाँ पे एक मॉल है छोटा सा, लेकिन होटल में जाने के लिए ये इधर से होगा, यहाँ से एंट्री है ना। हाँ, तो मेन रोड से ही एंट्री है। हमारा रूम है ये। ये हमारा रूम तो अच्छा है। हाँ, रूम बढ़िया है। पानी की बोतल भी दी हुई है, सरवर पॉटिको की नॉर्मल बोतल है। हाँ, और ये मिरर है जिसमें मैं हूँ। इधर कबर्ड है, इधर कबर्ड है। अरे वाह, ये तो बालकनी मिला हमारे रूम के साथ, इतना बड़ा बालकनी। और इधर बैठने की भी जगह है डिनर करने के लिए, चार चेयर भी लगे हुए हैं। और यहाँ से पूरा गोरखपुर दिखाई दे रहा है। वाओ, ये दिखा, वो हमारी गाड़ी लगी हुई है, वो देखिए वहाँ पे दिख रही होगी, वो हमारी गाड़ी लगी हुई है। ये मेन रोड है, इधर से हम लोग आए थे, इधर इस जगह से। चलिए अंदर चलते हैं। और वॉशरूम यहाँ पे टॉयलेट किट दिए हुए हैं, ड्रायर है, बड़ा अच्छा है, वॉशरूम अच्छा है, रूम अच्छा है, बढ़िया है। तो रात को बहुत ही बढ़िया नींद आई बिस्तर पे, और हम लोग थके भी हुए थे, बहुत लंबी जर्नी करके आ रहे थे, इसलिए नींद बहुत बढ़िया आ गई। अब सुबह के बज रहे 8, बिल्कुल नहा धो के रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमें निकलना है। एक जन अभी गया हुआ है, अभी बेदराज अंदर गया हुआ बाथरूम में, तो निकलेगा, फिर हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, बफे ब्रेकफास्ट। और ये है 9:51, ये चौकोच, और तुम्हारे यहाँ डोनट, वो थोड़ा सा अभी मैंने लिया है। अब ब्रेकफास्ट का स्टार्ट रही है, मैंने ब्रेकफास्ट का स्टार्ट रही है। अभी एक नॉर्मल ऑमलेट और एक मसाला डोसा हमने ले लिया, और भी है जल्दी फटाफट से फिनिश कर। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और बस बज गए हैं कितने, 9:35 हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ चेकआउट कर रहे हैं, वैसे टाइम तो 12 बजे तक का है, लेकिन हम अभी निकलेंगे क्योंकि समस्तीपुर हमें जाना है। तो अभी चेकआउट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं समस्तीपुर, आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये है रूम की हालत, तो देख लो सब कुछ चेक कर लिया ना। चलो 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 चलो, निकलो निकलो, की निकाल लिया। बाथरूम में घूम लेता हूँ एक बार, मुझे बोला गया है कुछ नहीं है बाथरूम में। ये है सरोवर पोर्टिको, और ये देखिए बिल्डिंग पूरा, ये बिल्कुल मॉल के साथ में है। और पार्किंग इधर, हम लोग पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे ही निकलती है ना बाहर, 316 किलोमीटर है घर हमारा यहाँ से समस्तीपुर बिहार के, और हम लोग अभी निकल रहे हैं 9:49 पर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और 4:46 का टाइम निकल रहा है, मतलब 5 बजे, मतलब 6 बजे तक कुछ अगर रुकते हैं तो 6 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो करते हैं यहाँ से जर्नी की शुरुआत। तो हम लोग अभी गोरखपुर सिटी से होते हुए निकल रहे हैं, और मैप मैंने लगा दिया, तो मैप के हिसाब से ही मैं जनरली चलता हूँ। जब मुझे लगता है कोई गलत गली में जा रहा हूँ तब फिर थोड़ा रिसर्च करता हूँ, और जिस रास्ते को जानते हैं उस रास्ते में मैप नहीं लगाते तो मैप तो ऐसे लगा रहता है, लेकिन अपने रास्ते जाते रहते हैं। मैप रहता है तो कभी गलत गया तो पता चल जाता है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग होटल में स्टे कर जाते हैं राइट, जब भी कंटिन्यू जर्नी नहीं करते हैं क्योंकि कोई इमरजेंसी नहीं होती। इमरजेंसी हो तो हम कंटिन्यू, जैसे शाम को 5 बजे यहाँ पहुंचे, यहाँ 7 घंटा 12 बजे रात तक हम घर पहुंच जाते हैं, रात को 12 या 11 बजे तक पहुंच जाते हैं कंटिन्यू चलते तो। लेकिन मुझे नाइट ड्राइविंग मुझे पसंद नहीं है, तो जो लोग पसंद करते हैं नाइट ड्राइविंग या करते हैं नाइट में ड्राइविंग, तो वो लोग कंटिन्यू भी बिहार तक मार सकते हैं। पटना जाना हो, मुजफ्फरपुर जाना हो, समस्तीपुर जाना हो, तो कंटिन्यू मार सकते हैं 12-1 बजे तक, या थोड़ा अर्ली निकल गए तो कंटिन्यू बिहार पहुंच सकते हैं। तो मैं प्रेफर नहीं करता हूं, मैं रुक जाता हूं, थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है। नहीं, हम लोग सबको थक जाते हैं बहुत ज्यादा, तो रेस्ट भी हो जाता है। और नाइट ड्राइविंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जब सामने से लाइट आता है ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, इसलिए मैं नाइट ड्राइविंग नहीं करता।
तो गोरखपुर से हम लोग निकल रहे हैं और आसपास जो भी चीजें दिख रही है उसको देखते हुए जा रहे हैं। उधर ट्रेन जा रही है और सुबह का टाइम है और ये लेक था यहाँ पर। सुबह का टाइम है, ट्रैफिक हल्का फुल्का है और यहाँ पे नॉनवेज के दुकान बहुत ज्यादा है। आपको कुछ ही दूर में KFC 3-4 दिख गए, हमें करीम दिख गया। मतलब बहुत ही नॉनवेज पसंदीदा लोग रहते हैं यहाँ पे, जिनको नॉनवेज बहुत ज्यादा पसंद है लोग यहाँ ज्यादा खाते हैं ऐसा लग रहा है। अभी हमारा गेस्ट है क्योंकि हमें कंटिन्यू 3 KFC दिख गए और करीम 2 दिख गए। इतना नजदीक नजदीक रेस्टोरेंट हमें दिल्ली में भी नहीं दिखते हैं। और वेदिका को देखो फुल मस्ती करते हुए। और हम लोग मेन हाईवे में शहर से निकल के मेन हाईवे में आ गए, राइट साइड से वो आ रहा है और हम लोग सीधा अब चले जाएंगे गोपालगंज की कुशीनगर होते हुए। अच्छा पहले कुशीनगर आएगा उसके बाद गोपालगंज। हाँ मैंने बेल्ट लगा लिया। सावधान आप बिहार में। तो हम लोग पहुंच गए हैं कुशीनगर क्रॉस करते हुए, अभी गोपालगंज बॉर्डर पे आ गए हैं। यहाँ से एंटर करेंगे हम लोग बिहार में। ये देखिए एंट्री हो गई, उधर से ट्रक का चेकिंग वगैरह होता है और प्राइवेट कार इधर से निकल जाते हैं। तो हम लोग इधर से निकल रहे हैं, वो उधर लेके कार चला गया, उसको घूम के इधर आना पड़ेगा। अच्छा अब जोर जोर से मुस्कुराइए, हम बिहार में है, हम बिहार में, हम बिहार में, हम बिहार में। थोड़ी देर में, एक तो टाइम है हमारे घर तक पहुंचने में, बट हम लोग गोपालगंज आ चुके हैं, गोपालगंज के बॉर्डर पे, बिहार के बॉर्डर पे। एक्चुअली थोड़ा शहर में निकल के फिर हम समस्तीपुर की तरफ निकलेंगे ना, यहाँ पूरा जाम लगा हुआ है तो थोड़ा सा धीरे धीरे गाड़ी चल रहा है, लेकिन चल रहा है। चलो इतना तो संतोष है, रुका हुआ नहीं है। ये ट्रक वाले रुका हुआ है, ये लाइन चल रहा है, बीच वाली चल रही है, दोनों तरफ ट्रक है। इस जर्नी का लास्ट स्टॉल, यस ये लास्ट स्टॉल। यहाँ से जो बरौनी जाने वाले हैं, समस्तीपुर जाने वाले हैं, हमें समस्तीपुर जाना है, वो लोग स्टॉल क्रॉस करेंगे। जिन्हें पटना जाना हो, मैपरपुर जाना होगा, वो लोग वही उधर से ही मुड़ जाएंगे, पटना के इधर से मुड़ जाएगा। मैपरपुर तो हम लोग क्रॉस किए ही, लेकिन पटना वाले वो मैपरपुर से ही टर्न लेकर के पटना की तरफ चले जाएंगे और हम लोग जा रहे हैं समस्तीपुर। और हमारा ये लास्ट स्टॉल है, तकरीबन हम लोग 1071 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी अभी हमारा करीब 45 किलोमीटर और बचा हुआ है, 45 किलोमीटर। यस अभी 1 घंटा और दिखा रहा है। ये सामने सीधा वाला रोड बरौनी चला जाएगा, जिनको बरौनी बेगूसराय जाना है वो सीधे निकल जाए। हमें समस्तीपुर जाना है तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे, हाईवे छोड़ देंगे और ये स्टेट हाईवे में हम लोग आ चुके हैं। तो स्टेट हाईवे में आके यहाँ से 8 किलोमीटर पे हमारा घर है जो समस्तीपुर टाउन के तो हम लोग अब समस्तीपुर पहुँचने वाले हैं। 8 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया है, मतलब आप घर पहुँचेंगे थोड़ी देर में, तो घर पहुंचेंगे तो दिखा देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं इस जर्नी में हमारा मतलब तेल कितना लगा, वो मैंने बोला था शुरू में बताऊंगा। टॉल तो हमारा 2000 के आसपास लग गया, 2000 के आसपास टॉल लग गया शुरू, फर्स्ट यमुना एक्सप्रेस से लेके यहाँ तक का, मुजफ्फरपुर तक के टॉल तक, तो 2000 का टॉल लग गया। और तेल लगा, मैंने पहले तो इस जर्नी स्टार्ट करने से पहले फिल कराया था, जो आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही फिल करा लिया था, तो 29 लीटर फिल कराया था, 5 लीटर रिजर्व में होता है तो 6 लीटर था पहले से, तो 29 लीटर मैंने फिल कराया। फिर एक बार मैंने 17 लीटर फिल कराया, जो आप लोगों के सामने कराया 17 या 19 लीटर वो फिल कराया हमने। उसके बाद फिर गोरखपुर में आकर के 29 लीटर फिल कराया, तो इतना तेल हमने फिल कराया, 30-60 करीब 70-75 लीटर तेल फिल कराया। और अभी मुझे लग रहा है कि इसमें 7-8 लीटर बच जाएगा, मतलब 70 लीटर तेल लगा मेरी कार से। तो मेरा जो कार का जो एवरेज दे रहा है अभी 18.3 ऑन डैमेज, तो बस यही खर्चा इसमें आप काउंट कर सकते हैं तेल के रेट के हिसाब से। आपकी कार अगर ज्यादा माइलेज देगी तो और कम तेल लगेगा, कम माइलेज देगी तो और ज्यादा तेल लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर डीजल क्योंकि हमारा पेट्रोल का था, तो यही था जर्नी और हम लोग अब घर पहुंचते हैं और मैं भी थोड़ा ड्राइव करते करते थक गया हूँ, तो अब घर जा करके चैन से बस फ्रेश होऊंगा और सो जाऊंगा। तो
इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग होली का आने वाला है। इंतजार कीजिएगा। बाय बाय। चलो निकालते हैं।